गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व सिख धर्म के लोगों ने धार्मिक आस्था व हर्षोल्लास के साथ मनाया। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून द्वारा सपरून गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न रागी जत्थों ने गुरुवाणी से संगतों को निहाल किया। सिख धर्म के लोगों की गुरु गोविंद सिंह में अपार आस्था है। गुरु गोविंद जी के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने समाज में आपसी भाईचारे और समानता का संदेश दिया था। बुधवार को सोलन में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व सिख धर्म के लोगों ने धार्मिक आस्था व हर्षों उल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर गुरुवाणी और लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून के अध्यक्ष मनमोहिंदर सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुरु पर्व का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर ऐसी कामना की गई कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया लंगर आज भी निरंतर जारी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पर प्रकाश सारी संगत सारा संसार बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज हम भी सपरून गुरुद्वारा साहिब में सोलन में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का प्रकाश पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें रागी जत्था जो विशेष तौर पर पटियाला से आए हुए हैं, कीर्तन ले रहे हैं, संगता कीर्तन का आनंद ले रही है। सारे विश्व को हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा चलाए गए मार्ग पर चले, सुख शांति समृद्धि खुशहाली सारे संसार में हो और कोरोना महामारी से जो है विश्व का छुटकारा हो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। लंगर भी चलाया गया? हाँ जी, आज जो है विशेष रूप से लंगर चलाया गया है संगतों के लिए। चाय का लंगर और भोजन का लंगर सब चलाया गया है संगतों के लिए जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।